क्या हाल है कराची वालों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आपका भाई जो है वो एक और नई जगह, नहीं तो खैर नहीं है, बहुत पुरानी जगह है। और मैं यहाँ आया था बेसिकली मोबाइल मार्केट में, एक ज़रूरी काम था। मैंने सोचा कि खाने पीने का भी एक सेगमेंट हो जाए। और मैंने एक जगह मतलब यहाँ पे देखी भी थी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। मैं सोचता था कि कभी ना कभी जो है वो ये इसको ट्राई करूँगा। मेरे हिसाब से ये दुनिया के सबसे बड़ा बन कबाब है। यहाँ जब आप आएँगे तो यहाँ पर हसन जो होते हैं, इनका एक स्टॉल है कश्मीरी मसाला बन कबाब के नाम से। और ये जो है वो इतना बड़ा बन कबाब जो है वो बनाते हैं। और उस एक बन कबाब में से 6 बन कबाब निकलते हैं, जिस तरह पिज़्ज़ा के स्लाइसेस होते हैं। तो आप ये ट्राई करें। रेट्स वगैरह मैं सब मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ये दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर है तो आप वीडियो देखें। तो दोस्तों ये हैं हसन, जो गुज़िश्ता कई साल से मोबाइल मार्केट के बाहर BVS स्कूल के कॉर्नर पे जो है वो एक बर्गर का स्टॉल रन कर रहे हैं। और ये कोई आम बर्गर नहीं है, ऐसा वैसा बर्गर नहीं है। ये आप ये समझ लें कि मैं इसको दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर कहता हूँ। और दुनिया का तो नहीं, खैर कराची का सबसे बड़ा बर्गर ज़रूर होगा। ये बेसिकली एक ख़ास किस्म की जो है बन के ऊपर बनता है। और ये बन जो है कस्टमाइज़ होते हैं, ऑर्डर पे बनवाए जाते हैं। इनके ऊपर जो है वो आलू और दाल का आमेज़ा, जो आप ये समझ लेंगे शामी कबाब का जो मसाला जो है वो इस पर बटर की तरह जो है वो लगा दिया जाता है। और फिर इसको फ्राई कर लिया जाता है। फ्राई करने के बाद बर्गर बनाने का अमल शुरू किया जाता है, जिसमें पहले मरहले के अंदर जो है वो बन गोभी की जो श्रेड करके बन गोभी जो है वो इसके ऊपर डाल दी जाती है। फिर जी बारी आती है प्याज की, प्याज डाली जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक बर्गर बनाया जाता है। और प्याज डालने के बाद जो है वो इसको कीरों से जो है वो गार्निश किया जाता है। कीरों से गार्निश करने के बाद जी इसके ऊपर कैचअप, और कैचअप के बाद इसके ऊपर रायता जो है वो डाला जाता है। लीजिए जी, रायता डालने के बाद जो है वो अब तकरीबन ये बर्गर रेडी है। और बर्गर का जो ऊपरी हिस्सा है, जो बन का ऊपरी हिस्सा है, उसको भी थोड़ा सा सेक लिया जाता है तवे के ऊपर। और तवे के ऊपर सेकने के बाद जो है इसे ढक दिया जाता है। और जो सबसे मज़ेदार फेस है वो अब शुरू होगा कि इस इतने बड़े बन कबाब में से जो है वो कितने बन कबाब जो है वो उसमें से निकलेंगे। तो इसके यहाँ पिज़्ज़ा के की तरह, पिज़्ज़ा की तरह इस पर स्लाइस बनाए जाते हैं। और स्लाइस के मुताबिक जो है वो एक बन कबाब में से तकरीबन 6 बर्गर जो है वो यहाँ पर निकाले जाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोबाइल मार्केट पे, और मोबाइल मार्केट पे हम आए हैं दुनिया का सबसे बड़ा बर्गर खाने। ये उस बर्गर का एक हिस्सा है। खैर मजाक की बात है, दुनिया का तो नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा बन कबाब है। और गालबन शायद इसको हैदराबादी बर्गर कहते हैं। तो मज़ीद मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, मैं ज़रा खा लूँ, उसके बाद आपको कुछ वीडियो दिखाएँगे। यार देखें, मुझसे तो इंतज़ार नहीं हुआ, क्योंकि मतलब ये देखने में शायद ऑर्डिनरी बर्गर आपको लग रहा हो, लेकिन खाने में बे इंतहा लजीज़ है। तभी इसके रेट भी जो है वो एक बन कबाब के 80 रुपए जो है इन्होंने रखे हुए हैं असल में। और ये कश्मीरी मसाला बर्गर के नाम से मशहूर है। तो आप ये बर्गर बिल्कुल इंजॉय कर सकते हैं मोबाइल मार्केट जब भी आपका जाना हो। और मुझे लगता है कि मतलब कराची वालों का फ्रिक्वेंटली जाना होता है मोबाइल मार्केट के आसपास। तो मोबाइल मार्केट के कोने पे BVS मामा पाटशी स्कूल के नुक्कड़ पे बिल्कुल जो है वो इनका ठिया मौजूद है। और इनकी एक ब्रांच गुल प्लाजा के पीछे भी है। तो अगर आप गुल प्लाजा जाते हुए खाना चाहते हैं तो वहाँ खा लें, नहीं तो अगर आप जो है वो मोबाइल मार्केट जाते हुए खाना चाहें तो वहाँ खा लें। तो बर्गर जो है वो आपको मिलेगा, और बहुत ही लजीज है, बहुत ही जायकेदार है। बाकी प्राइजेस के हवाले से मैं भी आपकी बात कराऊंगा यहाँ के जो ऑनर हैं हसन, उनसे जो अभी ये बर्गर बना रहे हैं इस वक्त, उनको छेड़ना जो है वो बेहतर नहीं है, मसरूफ़ हैं काफ़ी। तो अभी उनको बर्गर बना भी देते हैं। बर्गर बनाने के बाद मैं पूरी डिटेल में आपकी
हसन से बात कराऊंगा और हम इस बन कबाब के बारे में तमाम तर तफसीलात जानेंगे कि अगर आप सादा बन कबाब लेते हैं तो वो कितने का है, अगर आप अंडे वाले लेते हैं तो वो कितने का है, मायनीज़ वाला लेते हैं तो कितने का है, अंडा मायनीज़ कितने का है, और अगर आप पूरा एक सालम जो है वो पूरा राउंड शेप बर्गर लेते हैं जिसमें से जो है 6 बर्गर निकलते हैं वो कितने का है। अच्छा हसन भाई, कब से पे है और किस नाम से आपका जो है वो यहाँ पे? ये कश्मीरी मसाला बर्गर के नाम से ये तकरीबन यहाँ पर 8 साल हो गए। इसकी दूसरी ब्रांच गुल प्लाजा पर है। अच्छा, गुल प्लाजा पे भी आपकी ब्रांच? हाँ। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं, ये मैं खैर मुख्तसर बात करूँगा, इसमें आप क्या डालते हैं कबाब की जगह? इसमें कबाब ही होता है, ये दाल आलू का पेस्ट होता है। अच्छा, दाल आलू का पेस्ट होता है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो इतना बड़ा बन कबाब है इसमें कितने पीस निकलते हैं? एक बड़े बर्गर में 6 बर्गर होते हैं। 6 बर्गर होते हैं, और एक बर्गर की क्या प्राइस है? एक बर्गर के सादे की 80 है, मायोनीज वाले की 90, अंडे वाले की 110, अंडा मायोनीज 120। अच्छा, मैंने वैसे इतना बड़ा बर्गर देखा नहीं कराची में कहीं बनते हुए। ये सिर्फ आपके पास ही है या और जगह पर भी? ये है, काफ़ी जगहों पर मिलते हैं, मगर हर किसी का बनाने का तरीका, हमारा तरीका अलग है, दूसरे खाली से पेस्ट लगा के बेच रहे हैं, हर किसी की अपनी मुख्तलिफ है, हैदराबाद की वैरायटी है। अच्छा, अगर मतलब पूरा एक पूरा लेना चाहें तो कितने का है? पूरा लोगे तो वो सादा 480 का है, मायोनीज वाला 540, अंडे वाला 660, अंडा मायोनीज 720। तो भाई कश्मीरी मसाला बर्गर जो है वो मोबाइल मार्केट बहुत मशहूर जगह है, मोबाइल मार्केट अक्सर लोग आते हैं, और मोबाइल मार्केट जो है BVS स्कूल वाली गली। हाँ, BVS स्कूल। हाँ, BVS स्कूल है पीछे, और यहाँ पे कॉर्नर पे हसन भाई जो है इनका स्टॉल है, और नो डाउट हमने खाया है, आपने देखा भी है, बहुत ही लजीज जो है वो बन कबाब है, और मतलब मेरे हिसाब से तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बन कबाब है। मैं तो इसको यही कहता हूँ। तो आप जो है वो यहाँ ज़रूर जब भी विज़िट करें मोबाइल मार्केट का, तो इसको ज़रूर टेस्ट करें, और भाई रिकमेंड कर रहा आपको, और उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।